बोले पहली बात तो वह सच्चिदानंद स्वरूप है, सत रूप है, चिद रूप है, आनंद रूप है, उसका अंश होने के नाते हम भी वैसे ही हैं, लेकिन हम उस स्वरूप को भूल बैठे हैं। दूसरी बात वह क्या करता है, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का उत्पन्न करना, विश्व का पालन करना, विश्व का संहार करना, यह कार्य वो करता है। हम लोग भी ये तीनों काम करते हैं, चूंकि उसी के अंश तो हैं। हम लोग अपना सृजन करते हैं, अपना मकान, अपनी दुकान, अपना परिवार, तो हम लोगों ने भी सृजन किया, कुछ ना कुछ अपना बनाया। भगवान की सामर्थ अचिंत है, अनंत है, तो उन्होंने इतना बड़ा विश्व प्रपंच बनाया। हमारी क्षमता, हमारा सामर्थ सीमित है, इसलिए हमने अपने सामर्थ अनुसार अपना संसार सजाया। लेकिन भगवान के सृजन में और हमारे सृजन में भेद के अंतर क्या है? भगवान ने जो प्रकट किया उसमें उन्हें मोह नहीं है कि मेरा है। भगवान कभी नहीं कहते कि ये मेरा है, सब कुछ प्रकट भगवान ने किया, कभी कहते ये मेरा है। हम लोगों के साथ परेशानी यह है कि हम थोड़ा सा भी कुछ जुटा लें, बना लें, सृजन कर लें, तो कहते ये हमारा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी, ये अमुक मेरा है। और जहां मेरा प्रारंभ हुआ वहीं तेरा प्रारंभ हो जाएगा, ये मेरा है तो वो तेरा है, और यही माया है। भगवान कहते हैं श्री राम जी लक्ष्मण जी से कि मैं अरु तो रे तो मेरा यह शब्द आएगा तो वहां मैं यह भी आ जाएगा, क्योंकि मैं और मेरा ये दो एक साथ रहते हैं। एक का नाम है अहमता और दूसरे का नाम है ममता। अहमता माने मैं और ममता माने मेरा। कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसी चीजें हैं जो हमेशा साथ ही रहती हैं, जैसे अश्विनी कुमार हैं तो वो दोनों ही एक साथ रहते हैं। दो अश्विनी कुमार हैं, दोनों एक साथ ही रहते हैं, अलग नहीं होते। अष्ट वस्तु हैं, वो हमेशा एक साथ रहते हैं। उसी तरह मैं और मेरा, अहमता और ममता, अहमता और ममता दोनों हमेशा हम एक साथ ही रहते हैं। तो जहां ये आएगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, तो वहां मैं भी आ जाएगा कि मैं। लेकिन भगवान में ना मैं है ना मेरा है, भगवान सृष्टि का सृजन करने वाले हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे करने वाले हैं, और उनको किसी प्रकार का यह मोह नहीं है कि यह संसार मेरा है। और दूसरी बात, सृजन में मोह
पालन में अभिमान। हम लोग किसी को खिलाते हैं, थोड़ा कुछ करते हैं, या घर का मुखिया घर चलाता है, संस्था का मुखिया संस्था चलाता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये अभिमान बना रहता है कि मैं चला रहा हूं, मेरे कारण चल रहा है। लेकिन आप जरा कल्पना करिए, वह परमात्मा सारे सृष्टि को खिला रहा है, चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, भगवान को मानता हो अथवा न मानता हो, भगवान तो सबको खिला रहे हैं। सबको खिलाकर भी कभी इस बात का कोई अहम नहीं या कोई अहंकार नहीं कि मैं खिला रहा हूं। हमें सीखना क्या है, बोले हम यदि किसी को खिला रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी की कोई सेवा कर रहे हैं, तो उसमें यह भाव रहे कि करने वाले हम नहीं हैं, बल्कि हमें माध्यम बनाकर हमारे ठाकुर जी कर रहे हैं, हमारे ठाकुर जी हमसे करवा रहे हैं।